नमस्कार मित्रों, मैं नीरज कुमार आप सभी का हमारे इस इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को बनाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उन बच्चों को जिन्हें अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते उनके लिए स्टडी मटेरियल तैयार करूं और उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करूं। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन रखा है। आप सभी के सहयोग से आज हमारे इस चैनल में 1000 से ज्यादा लोग जुड़े, जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो हम सभी को कभी भी अपने पुराने दिनों के तकलीफों को नहीं भूलना चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब किसी भी स्कूल्स, कॉलेजेस या कोई ट्रेनिंग के सेशन का फर्स्ट डे होता है, तब सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ क्लास को आते हैं। सभी के मन में द बेस्ट बनने की इच्छा होती है, क्योंकि सबको पता होता है कि वो लोग किस कारण से इस काम को करने आए हैं। सबके माँ पिताजी ने सपने देखे हैं उनके लिए, पैसों की जरूरत है उनके घर में, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें से कुछ टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग फेल हो जाते हैं। कंडीशन सबके लिए एक समान थी, एक ही बिल्डिंग, एक ही टीचर, एक ही ट्रेनर, एक ही सिलेबस, लेकिन सबके रिजल्ट्स में ड्रास्टिक चेंजेस आती है। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या कोई उनके भाई के बारे में जानता है? नहीं जानते। लेकिन ऐसा क्यों? उनके भाई लोग भी एक ही माता पिता के संतान थे, एक ही घर में रहे, प्रारंभिक शिक्षा एक ही विद्यालय से की, सेम टीचर, सेम सिलेबस, सेम फूड, सेम होम, बट रिजल्ट में ड्रास्टिक चेंज। एपीजे अब्दुल कलाम बड़े होकर भारत के राष्ट्रपति बने, वहीं उनके भाइयों को कोई जानता तक नहीं। क्या आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी काम को शुरू करने के कुछ दिन बाद अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमारा टारगेट सेकेंडरी हो जाता है और बाकी बेकार की चीजें जैसे मूवीज देखना, गप्पे मारना प्राइमरीज हो जाता है। और सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं कि हम किस तकलीफ से निकलकर यहां आए हैं। आज का मेरा ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए है जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो मैं अपनी ये बात एक कहानी से आपको समझाना चाहूंगा। ये कहानी है एक गरीब व्यक्ति की, जिसका नाम मोहन था। वह पढ़ा लिखा था लेकिन बेरोजगार था। वह नौकरी की तलाश में एक दिन राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी की गुहार लगाई, और राजा के कहने पर मोहन ने अपने प्रतिभा का परिचय दिया। वह गणित में बहुत तेज था और इसी कारण राजा ने उसे अपना मुनीम बना लिया, जो राजा के धन दौलत का हिसाब रख सके। मोहन बड़ा ही ईमानदार था। वह पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करता और इसी कारण वह राजा के बहुत प्रिय बन गया। राजा के दूसरे मंत्री और सलाहकार मोहन से जलने लगे। वे लोग हमेशा मोहन की गलतियां ढूंढने में लगे रहते, लेकिन मोहन की ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगती। राजा मोहन के कार्य से बड़ा खुश हुआ तथा उसने मोहन को रहने के लिए एक सुंदर सा महल बनवा दिया और ढेर सारा धन भी दिया, जिस कारण मोहन की दरिद्रता अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मोहन अब अपने माँ पिताजी के साथ खुशी से उस नए महल में रहता था, लेकिन वह हर हफ्ते एक बार अपनी टूटी हुई झोपड़ी में जरूर जाता और कुछ देर वहां अपना समय व्यतीत करता था। अब जब मंत्री और राजा के सलाहकारों को यह बात पता चला कि मोहन हफ्ते में एक बार अपनी टूटी झोपड़ी में जाता है, तब वे लोग उस पर नजर रखने लगे कि आखिर वह झोपड़ी में रखा क्या है जो मोहन उस झोपड़ी में जाता है। एक दिन कुछ मंत्रीगण मोहन से छुप छुपा के उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी तक पहुंचे और खिड़की से झांक कर ये पता किया कि झोपड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय एक बड़े बक्से के, और उस बक्से में बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। बस क्या था, वे मंत्री लोग अब राजा की कान भरने लगे कि मोहन राज्य की संपत्ति चुराकर उस बक्से में छुपा कर रखता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। दोस्तों, दुनिया में हर जहर का इलाज है, लेकिन अगर कान में जहर घोल दिया जाए तो इसका कोई इलाज नहीं। ऐसा ही हुआ। मंत्रियों के बार बार बोलने पर राजा को भी मोहन पर संदेह हुआ, और एक दिन जब मोहन अपने उस पुरानी झोपड़ी में था, तब राजा अपने मंत्री सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और मोहन को उसका वो बक्सा खोलने को कहा। इस पर मोहन बड़ा ही लज्जित हुआ और राजा को बोला कि बक्से में कुछ कीमती नहीं है, इसलिए बक्से को खोलने का आदेश वापस ले। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए और उसने उस बक्से के ताले को तोड़कर उसे खोल दिया। बक्से के अंदर में रखे सामान को देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। उस बक्से में कुछ फटे पुराने कपड़े रखे हुए थे जो मोहन पहली बार राज्य दरबार में पहनकर आया था। तब राजा ने मोहन से पूछा कि ये क्या है, इस चीज के लिए तुम राजा का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, इस बक्से को नहीं खोल रहे थे। मोहन का जवाब सुनिएगा, बड़ा ही प्रेरणादायक है। मोहन ने कहा कि ये वस्त्र, मेरे कपड़े मुझे मेरे बुरे दिन की याद दिलाती है और मुझे इस बात की आभास दिलाती है कि मैंने कितने कष्ट किए हैं यहां तक पहुंचने के लिए।
ये यादें मेरे अंदर के घमंड को उत्पन्न होने से रोकती है और मेरे काम से मेरा ध्यान हटने नहीं देती। ये बतलाती है कि अगर मैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करूंगा तो एक दिन मैं फिर इसी स्थिति में आ जाऊंगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंच जाए, हमें हमेशा अपना बुरा दिन याद रखना चाहिए। बहुत से गरीब माँ बाप के बच्चे घर छोड़ करके बाहर पढ़ाई करने जाते हैं मगर बुरी संगत में फंस करके अपने घर की गरीबी और माँ बाप के सपनों को भूल जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें सिर्फ बर्बादी ही हाथ लगती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने रियल सिचुएशंस को ध्यान में रखकर ही हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अगर आपको मेरा ये मेहनत पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक दें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। धन्यवाद।